Mercedes Benz B180 style 2013 September month registered, owner single HR26 registered, driven 69,000 kilometers with service records, tires are in a very good condition and gaadi ka insurance jo hai 50% NCB ke saath hai और जो कि वैलिड है अक्टूबर 2023 तक या सितंबर 2023 तक वैलिड है गाड़ी का इंश्योरेंस। सिंगल हैंडेडली गाड़ी रही है, सिंगल ओनर गाड़ी रही है, काफी वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, कस्टमर ने गाड़ी को काफी इज्जत से रखा है। गाड़ी को पूरा देखने के बाद में 2013 मॉडल है तो हमें एक चीज इसके अंदर ये देखने के लिए मिली है कि ये ब्रोकन है। अगर आप चाहेंगे तो ये मैं आपको लगवा के दे दूंगा, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, मैं इसको ये लगवा के दे दूंगा आपको। थोड़े से स्क्रैचेस है गाड़ी के ऊपर, बाकी गाड़ी जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन की है, मिंट कंडीशन की है ये गाड़ी और ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, ओनर सिंगल है, थोड़े से स्क्रैचेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाड़ी की मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, इसका आस्किंग और इसका डील प्राइस है 8.5 लाख रुपीज। इन्वेस्टेड कार है फ्रेंड्स ये, और जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया था टूसॉन भी उनको इन्वेस्ट कराई थी, तो उनको थोड़ा सा इन्वेस्ट कराना शुरू करा है और नॉमिनल से प्रॉफिट पे मैं उनकी गाड़ियां बेचता हूँ। अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ये काम सिखाता भी हूँ लोगों को, और अगर आप मेरी एडवाइस लेके कोई कार परचेज करना चाहते हैं तो उसमें मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन वो कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस करेंगे फोन पे। अगर आप करने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं हम इस गाड़ी को। तो आगे जो इसके हमें DRLs मिल रहे हैं, अभी एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ उसके DRLs। तो DRLs के साथ है, DRLs भी इसके वर्किंग कंडीशन में है, दोनों रात में हावेवर और ब्राइट हो जाएंगे। अभी बिल्कुल सूरज के नीचे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, तो रात में बड़े खूबसूरत लगते हैं ये DRL, जब आप गाड़ी को ऑफ करते हैं तब भी जल्दी होते हैं। गाड़ी का बोनेट इसका 100% ओरिजिनल है और गाड़ी के बोनेट के ऊपर, एक गाड़ी पहले ऑफ कर देता हूँ, गाड़ी का बोनेट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी के बोनेट के ऊपर और काफी स्मूथ पेंट है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी डली हुई लगी हुई है इसके ऊपर, वैसे गाड़ी जो है बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में है। फ्रंट में हमें यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी जो कि न्यू जनरेशन मर्सिडीज बेंज में आने लगी थी, यहाँ मर्सिडीज का लोगो है, फिन्स जो है इसकी बिल्कुल इंटैक्ट लग रही है और यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स हमें मिल रहे हैं जो कि इंटैक्ट है इसके। दीज आर LEDs नॉट फॉग लैंप्स, LEDs मिल रही हैं जो कि रात में जलती हैं, चमकती भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं गाड़ी के फेंडर्स और टायर की तरफ, एक बार टायर और फेंडर की कंडीशन देखते हैं। तो ये वाला फेंडर जो है यहाँ पे एक हल्का हल्का से स्क्रैचेस है, यही मैं फ्लॉज बता रहा था आपको इंस्टा रील में अपनी, फ्लॉज है बस यही फ्लॉज है इसमें और कोई फ्लॉ नहीं है, कि थोड़े थोड़े से स्क्रैचेस है गाड़ी के ऊपर। टायर जो है आगे का 205 Oelic 55R 18 मिल रहा है हमें, 18 इंचेस के अलॉयज और जो डिस्क है इसके वो भी बिल्कुल साफ है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं खा रहे हैं, शॉकर सस्पेंशन बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, अंदर बॉडी कहीं पे कोई रस्टिंग नहीं लग रही है, ये वाला पीस हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है और टर्न इंडिकेटर्स जो है हमारे वो बिल्कुल साफ साफ बच रहे हैं, ये वाला डोर भी हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है। एक एक चीज मैं अंदर खोल के इसकी चेक करके आया हूँ कि कहीं पे कोई गाड़ी के ऊपर कोई चीज पेंट या कोई काम तो नहीं हुआ हुआ है, एक एक चीज इसकी ओरिजिनली मेंटेन है, गाड़ी के इंटीरियर्स भी नीट एंड क्लीन है। ये वाला डोर जो है हमारा ये भी बिल्कुल साफ साफ बचता है, ओरिजिनल डोर है ये भी, ये क्वार्टर पैनल भी हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है, इस डोर को भी मैंने अंदर से चेक कराया। एक एक चीज को अंदर चेक करने के बाद में फ्रेंड्स मैं फिर वीडियोस लेकर आता हूँ आपके पास में। तो जो अगला वाला टायर जो मैंने आपको दिखाया है उसमें अभी मुझे 10,000 से 15,000 किलोमीटर चलने का दिख रहा है, पीछे वाले टायर जो है कस्टमर ने चेंज करा दिए हैं, इसको आप रोटेट करा सकते हैं, इसको आप आगे डलवा सकते हैं और आगे वाले पीछे डलवा सकते हैं। 5 Oblique 55 R16 मिल रहा है, इसमें R18 नहीं मिल रहा है, अगला भी R16 है, मैंने गलती से 18 पढ़ लिया उसको, तो मैं करेक्ट करूंगा अपने आपको प्लीज। R16 16 इंचेस के अलॉयज के साथ आती है और यहाँ पे हमें पीछे डिफॉगर मिलता है, रियर वाइपर मिलता है, और जिसको लंबी गाड़ी नहीं लेके चलना है अपने शहर में, छोटी गाड़ी चाहिए, कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए ऑफिस से घर आने जाने के लिए, बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। B180 पीछे LED लाइट्स मिल रही है, मोटो फेंडर इस तरह की प्रीमियम हैचबैक्स लेकर आता रहे उसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा को भी फॉलो करें, वसीम खान 1107 करके इंस्टा पे पेज है मेरा। उसके बाद ये वाला टायर जो है ये भी बहुत इमैक्युलेट कंडीशन में है, पीछे के दोनों टायर्स बहुत अच्छी कंडीशन में हमें मिले हैं, ये वाला फेंडर हमारा बिल्कुल साफ साफ बचता है। उसके अलावा इस डोर पे ये माइनर से स्क्रैचेस हैं तो इसको कुछ कराने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल मतलब 8.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल रही है, इसको लो चलाओ मजे करो फिर आगे भेज दो, क्यों कराना ये छोटे छोटे से काम। बस यही फ्लॉज है जो मैंने अपनी इंस्टा में बताया था, उसके अलावा और कोई फ्लॉज नहीं है। बॉडी लाइन पे ये फ्लॉज मुझे मिले हैं जो कि मैं अनबाइज रिव्यूज देता हूँ इसलिए सब कुछ बताने में यकीन रखता हूँ फ्रेंड्स, और एक ही गाड़ी है, मुझे एक ही गाड़ी बेचनी है ये B180, तो उसके लिए मुझे ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं यहाँ पे। ये वाला डोर हमारा साफ साफ बचता है और अगला टायर ये वाला जो है ये भी अच्छी कंडीशन में है, तो सिर्फ एक टायर है जो कि मुझे लगता है कि पंचर हुआ होगा तो वाला डाला है और इसकी बूट में इसका एक और साफ टायर पड़ा होगा वो हम देखेंगे। यहाँ से अलॉयज थोड़ा सा रिफअप हो जाएगा अगर आप कराना चाहते हैं तो, वो जब वेट्स लगाते हैं उसके अंदर तब वो खोलते में निकल गया होगा, तो मुझे जहां तक लगता है इसका वो टायर पंचर हुआ होगा और यस आई वॉज राइट, तो ये रहा वो टायर, ये पंचर हुआ होगा
तो टायर्स का गाड़ी के अंदर कोई खर्चा नहीं है, ये टायर है, उसके नीचे स्पेयर व्हील है। ये टायर हो सकता है कि लॉन्ग रूट पे कहीं पंचर हुआ हो तब डाला हो, या हो सकता है फट गया, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो एक टायर का आप खर्चा मान सकते हैं। 50% एनसीबी के साथ है गाड़ी, ऑल ओरिजिनल है, ऑल ओरिजिनल पेंट की, सिंगल ओनर गाड़ी है। इंटीरियर्स आपको एक बार इसके दिखा देता हूँ। इंटीरियर्स देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे हमें 8-way एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है जो कि प्रॉपरली फंक्शनल है, इसीलिए ये प्रीमियम हैचबैक है कि सीट्स वगैरह आपको ऑटोमेटिक मिल जाती हैं इसके अंदर, काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक के बटन्स, यहाँ रिट्रैक्टेबल मिरर्स के बटन, पावर विंडोज के बटन्स मिल जाते हैं, लेदर मिल जाता है। सामने आप देखिए बहुत ही प्यारा सा आपको डैशबोर्ड मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। उसके अलावा हमें लाइट्स ऑन का सिग्नल बता रही है कि लाइट्स ऑन, हमने ऑफ कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीछे वाली सीट्स तो कितनी अच्छी कंडीशन में है और पीछे कितनी अच्छी स्पेस मिल रही है। अगर मैं उधर से आके बैठ के आपको दिखाऊंगा एक बारी, अगर आप अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, शोफर के साथ भी चलें वो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। ये भी स्पेस है, हमें हेडरूम भी मिल रहा है, लेग रूम भी मिल रहा है, इट्स गुड स्पेस। यहाँ पे सामान रखने की जगह मिल रही है हमें, और यहाँ पे हमें ट्विटर्स मिल रहे हैं डोर्स में। आप वाला डोर दिखा देता हूँ आपको, ट्विटर्स मिल रहे हैं, नीचे स्पीकर्स मिल रहे हैं, और ये वाला भी डोर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। चारों डोर्स आपको खोल के दिखा दिए हैं, इंटीरियर्स दिखा दिया है। अब गाड़ी का एक बारी इंजन खोल के आपको इंजन रूम दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है और 7-gear गाड़ी है, अच्छी पावरफुल गाड़ी है ये आपकी। एवरेज भी गाड़ी की बहुत अच्छी होगी आई एम श्योर, हाउएवर मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन 16-17 की एवरेज देनी चाहिए। तो बोनेट खोल के सर जो नजर आया है कि बोनेट इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, कभी गाड़ी कहीं से कहीं तक लगी नहीं है, ये सारे बोल्ट्स इसके इंटैक्ट चले आ रहे हैं, बोनेट पट्टी ओरिजिनल है। अक्सर मर्सिडीज में ये चीज आप देखोगे, ये चीज फट जाती है, उसे देखकर ज्यादा घबराए ना, एयर फिल्टर का कनेक्टर होता है, ये बाद में भी लग सकता है और ज्यादा इस पर टेपिंग होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली इसका अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल साफ साफ आ रहा है और बैटरी भी अच्छी कंडीशन में लग रही है। गाड़ी के ऊपर कोई काम हुआ हुआ भी नहीं लग रहा है इंजन के ऊपर एज सच। गाड़ी का सेल्फ मार के आपको इंजन की साउंड सुनाते हैं एक बारी। तो मर्सिडीज बेंज B180 की टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले इसके पावर विंडोज वगैरह चेक कर लेते हैं, प्रॉपरली चल रहे हैं। यस, चारों पावर विंडोज प्रॉपरली चल रहे हैं, चारों इंडिकेटर्स हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद हमें इसके अंदर एसी जो हमारा इफेक्टिव है, अभी एसी ऑन करके बैठा हूँ मैं। नेविगेशन इसके अंदर नहीं मिलेगा, चिप डाल के शायद चल जाए। उसके बाद इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें मिलेगी जो कि टेलीफोनी है, रेडियो कनेक्टिविटी मिलेगी, डिस्क हमें इसके अंदर मिलेगी और 7-gear है। आप इसको पैडल शिफ्ट भी चला सकते हैं यहाँ से, और आप इसको गियर्स में डाल के भी ऑटोमेटिक मोड में भी चला सकते हैं। मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, 69905 इसकी किलोमीटर बता रहा है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है और किसी किस्म का कोई एरर नहीं बता रही है गाड़ी। गाड़ी के अंदर कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक लाइट पॉपअप हो रही है, वो है पेट्रोल की, सॉरी डीजल की, वो फ्यूल की लाइट पॉपअप हो रही है, डीजल इंजन है ये। सामने जो है इसका डैशबोर्ड देखिए आप, कितना नीट एंड क्लीन है और कितना बड़ा डैशबोर्ड हमें इसके अंदर मिलता है। और गाड़ी के अंदर हेडरूम बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने जैसे CLA मैंने चला के बेची और CLA में काफी दूर लेकर गया था, मुक्तेश्वर ले गया था मैं CLA की टेस्ट ड्राइव पे, और वो कस्टमर ने मेरी वीडियो देखकर गाड़ी खरीदी थी कि मुक्तेश्वर तक ले गया था मैं गाड़ी चेक करने के लिए। उसके बाद मैंने A180 बेची है, काफी सारी गाड़ियां बेची हैं, लेकिन जो हेडरूम है ना वो इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। और समहाउ हमें कहीं ना कहीं अब ऐसी रिक्वायरमेंट लगने लगी है कि हमें एक हैचबैक लेके निकलना है, क्योंकि बूट लेकर भी चलने का मन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक है। अगर आपकी ये एक मतलब भागने दौड़ने की गाड़ी चाहिए तो एक अच्छी गाड़ी हो सकती है। 5 साल 8-9 महीने गाड़ी की लाइफ बची है, और कुछ स्टेट्स में तो उसके बाद भी शायद रिन्यू हो सकती है, लेकिन अदर स्टेट्स में जहाँ पे NGT की रूलिंग नहीं है वहां पे ये गाड़ी आप 5 साल 8-9 महीने और चला सकते हो। 8.5 lakh rupees में आपको गाड़ी मिल रही है, इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। कलर भी अच्छा, सिल्वर कलर है, ब्लैक इंटीरियर है। सीट्स की क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन सीट्स है, इंटीरियर बिल्कुल साफ है, AC अच्छा काम कर रहा है। जब मैंने गाड़ी का सेल्फ मारा था हल्का सा जो है ना कट की आवाज आती है, वो मर्सिडीज बेंज A180 के डीजल इंजन में और मर्सिडीज बेंज B180 में आती है, वो मैंने देखा है पुराने मॉडल्स में आती है। और इससे पहले मैंने A180 के भी कुछ गाड़ियां मैं चेक कर रहा था डीजल इंजन, तो उसमें भी हल्की सी आवाज आ रही थी, बाकी गाड़ी मैकेनिकल मुझे 100% साउंड लग रही है। और गाड़ी के ऊपर थोड़े थोड़े से हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं जो मैं आपको एक्सटीरियर पे दिखा चुका हूँ। इंटीरियर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इंजन अच्छी कंडीशन में है, टायर्स इसकी अच्छी कंडीशन में। एक टायर अगर आपको डलाने की जरूरत पड़ जाए तो हो सकता है आगे का लेफ्ट टायर आपको डलाने की जरूरत पड़ सकती है। इंश्योरेंस वैलिड है, सिंगल ओनर कार है, कंपनी मेंटेन है गाड़ी, और मतलब मजेदार गाड़ी है। छोटी गाड़ी लेके चल रहे हैं मर्सिडीज बेंज B180, क्या बुराई अपने शहर में जहां पे आपको अलाउड है। NOC की अगर आप बात करते हैं, पैन इंडिया आपको NOC निकाल के दे देंगे। और फाइनेंस की अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो सर फाइनेंस कराना मेरे लिए मुश्किल है अदर स्टेट का, वो आप खुद ही करा लो तो बेटर है।
और थर्ड थिंग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 25,000 रुपीज़ है, मेरे ट्रेलर वाले हैं जो 25,000 रुपीज़ में मेरी गाड़ियाँ छोड़ते हैं और ऑल गुड। बाकी कार इज इन अ वेरी गुड स्टेट, गाड़ी की इंजन माउंटिंग ओके लग रही है मुझे, गियर शिफ्टिंग ओके लग रही है गाड़ी की और गियर्स में कोई आवाज़ नहीं लग रही है, स्टीयरिंग जो है इसका वेल बिहेव्ड है, जैसे आना चाहिए वापस वैसे आ रहा है, हॉर्न वगैरह फंक्शनल है, एसी अच्छा काम कर रहा है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स अच्छा काम कर रहे हैं, पावर सीट्स अच्छा काम कर रही है। इट्स नॉट अ बैड डील इन 8.5 लाख रुपीज़, मतलब जहाँ पे आपको 6 साल गाड़ी चलाने के लिए मिल रही है वहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे सर आपको कोई सी भी सेडान डीजल इंजन में मिलेगी ही नहीं, और ऊपर से डीजल ऊपर से ऑटोमेटिक कोई ऑप्शन ही नहीं है ज़्यादा आज की डेट में, तो ऑप्शन नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकते हैं ऑप्शन हो। तो आपको अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी ढूंढ के आपके लिए लेकर आता हूँ। प्राइसेस को लेके देखिए सर, बहुत प्राइसेस जो है ना एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है सर। प्राइस जो होता है किसी भी चीज़ का वो कंडीशन के हिसाब से होता है प्री ओन्ड कार में। अब यही गाड़ी लो और इसके अंदर 10 काम हो और वो 10 काम मैं आपको ना बताऊं और उसका प्राइस मैं कम रख दूं तो आपको लगेगा मैं बहुत अच्छी डील आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन मैं जिस इंटेंट से वीडियोस बनाता हूं, मेरा इंटेंट ये होता है कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है और आपको खरीदनी है, इसलिए आप वीडियोस देख रहे हो, इसलिए मैं अनबाइज वीडियोस बनाता हूं। सारे काम खर्चे जो परेशानियां होती है वो भी गाड़ी की बताता हूं। तो अच्छी गाड़ी की अगर मैं वीडियो बना रहा हूं सर, जिसके अंदर कोई काम नहीं है, जिसकी ट्रांसमिशन फेलियर नहीं है, जिसका क्या कहते हैं बर्निंग नहीं हो रही है गाड़ी में, हीटिंग नहीं हो रही है, अच्छी गाड़ी अगर मैं आपको ढूंढ के लाके दे रहा हूँ उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है सर, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। तो अगर आप इस तरह की गाड़ी अपने लिए सर्च कर रहे हैं, प्रीमियम हैचबैक सर्च कर रहे हैं, लग्जरी कार सर्च कर रहे हैं, एसयूवी सर्च कर रहे हैं, तो सर आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मोटो फाइंडर को। मैं डायरेक्ट कस्टमर कार्स भी लाता हूं और इन्वेस्टेड कार्स, वही इन्वेस्टेड कार्स लाता हूं जो दिखाना मुझे अपने चैनल के लिए काम का सौदा लगता है, मैं वही दिखाता हूं। और शोरूम्स वालों की भी गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो न्यू कार डीलरशिप्स हैं उनकी गाड़ियां भी दिखा रहा हूँ, उनकी गाड़ियां भी मैंने बेची हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी बड़ी हमारी फैमिली होती रहेगी उतना ज़्यादा मैं सेलर्स के साथ में प्राइस नेगोशिएट करके लाऊंगा आपके लिए और उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर आ पाऊंगा। और इंस्टा वसीम खान 1107 भी आप फॉलो कर सकते हो, आप शॉर्ट रील्स डालता हूँ। मुझे छोटी प्रीमियम हैचबैक्स पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि साइज का इशू नहीं, आराम से कहीं को भी लेके निकल गए। मैंने खुद अपने लिए भी अभी एक हैचबैक रखी हुई है क्योंकि मुझे दिन भर भागना दौड़ना होता है, तो आई नीड अ हैचबैक, आई डोंट नीड अ लग्जरी कार। हाँ ऑटोमेटिक रखी है, पेट्रोल इंजन रखा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल में कोई दिक्कत है नहीं, तो अगर आपके सिटी में चलाना अलाउड है डीजल इंजन सर आप चलाइए, क्या प्रॉब्लम है, एवरेज भी अच्छी देती है, 17-18 की आपको एवरेज देगी गाड़ी। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी चेक कर लेते हैं एक बारी, गाड़ी का सिस्टम भी वर्किंग कंडीशन में है और ट्वीटर्स भी मिल रहे हैं, स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, डोर्स में हमें लॉक अनलॉक का यहाँ पे बटन है, लाइट्स के थ्रो वगैरह जो है वो भी अच्छे हैं, उनमें भी कोई इशू नहीं है, लाइट्स के थ्रोज भी हमारे अच्छे हैं, बढ़िया गाड़ी है मतलब यार। और 8.5 लाख रुपीस में और क्या लोगे, अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो तो सर आप प्लीज़ मोटो फाइंडर के अकाउंट में आप इसका बुकिंग अमाउंट डाल दें, आप आएँ सर आप गाड़ी देखें, इनकेस अगर आप नहीं लोगे आपकी बुकिंग अमाउंट आपको रिफंड कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और आने से पहले ज़रूर बुक कर दें क्योंकि सब लोग अदर स्टेट से आते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के एयर टिकट्स लगते हैं, आप लोगों की फ्लाइट्स लगती हैं और होटल अकोमोडेशन का लगता है, आई डोंट वांट कि मैं बुला लूँ 4-5 लोगों को और फिर बोली लगवाऊँ, दैट इज़ नॉट माय वे ऑफ वर्किंग बिजनेस। मैं चाहता हूँ एक आदमी ने गाड़ी बुक कर दी, अब दूसरों के लिए कोई और गाड़ी ढूंढूं मैं। तो फ्रेंड्स इट्स अ वेरी गुड कार टू बाय एंड आई वुड लाइक टू ड्राइव दिस कार इन माई सिटी, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डीजल इंजन चलाने की ज़्यादा अनुमति नहीं है, उसके चलते ये गाड़ी बाहर जाएगी और बाहर जिस स्टेट में जाएगी जिनको मिलेगी उनके लिए बहुत अच्छी डील है ये, और गाड़ी ले सकते हैं आप, रिकमेंडेड कार है ये। थैंक यू, हैव अ गुड डे।